हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोडटेक। एंड आज यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में। यहां पर इसका BS6 वेरिएंट अनाउंस कर दिया है कंपनी ने और यहां पर रिवील भी कर दिया है कुछ स्पेसिफिकेशन। तो यहां पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं क्या इसमें चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन रीजन की बात करते हैं जिस कारण से चेंज करना पड़ा, यानी BS6 कंप्लायंट इंजन। तो हाँ, यहां पर भी कुछ कमी आ गई है। जैसा कि मैंने बताया था, BS6 जब भी जिसके भी लॉन्च होंगे उनमें कहीं ना कहीं पावर या टॉर्क में कमी आ जाएगी। तो यहां पर अगर हम पावर फिगर्स की बात करें, सुजुकी एक्सेस 125 का जो BS6 वेरिएंट होगा वो यहाँ पर जनरेट करेगा 8.7 PS की पावर एट 6750 RPM। एंड वही अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो 10 न्यूटन मीटर का होगा एट 5000 RPM। अगर हम इसे कंपेयर करें प्रीवियस वाले डेटा से तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। अगर पावर की बात करें तो वो पहले भी 8.7 PS ही थी, बट अगर यहाँ पर टॉर्क की बात करें तो वो यहाँ पर 10.2 न्यूटन मीटर का हुआ करता था, जो अब 10 न्यूटन मीटर का रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है परफॉर्मेंस में, बट 0.2 न्यूटन मीटर का डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला, बट हाँ स्मूथनेस जरूर बढ़ जाएगी गाड़ी, ऐसा कुछ बड़ी वेबसाइट्स ने कहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो चेंज होने वाली है वो इसके लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर जब लॉन्च कर रहे हैं इस बाइक को, ऐसा कंपनी तो खुद ही अनाउंस नहीं की ये बात कि हम चेंजेस करेंगे, बट जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको लुक्स में कुछ चेंजेस देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो बड़ा चेंज आपको देखने मिलने वाला है वो है इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, क्योंकि अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग भी देखने मिल जाएगी, जो इसमें एक बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अभी तक सुजुकी ने अभी तक एक्सेस में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ऑफर नहीं की थी। तो अब हो सकता है आपको ये चीज़ देखने मिल जाए। साथ ही में यहाँ पर उसका डिजिटल मीटर कंसोल है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इको इंडिकेटर होगा। तो जो ग्रीन लाइट आप देखते हैं अभी सभी स्कूटर्स में आने लगा है, ऑलमोस्ट अभी में आप ऑफर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने TVS में भी देखी थी सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने मिल जाएगी। तो उसके थ्रू आप इको मोड में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ के साथ ऐड की गई है, वो यहाँ पर बैटरी की कंडीशन कैसी है। बट यहाँ पर ये क्लियरली रिवील नहीं हुआ है कि फुल्ली डिजिटल मीटर होने वाला है या सेमी डिजिटल मीटर कंसोल होने वाला है। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं कि BS6 या BS4 लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों में ही कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम कह रहे थे BS6 एंड BS4 में डिफरेंस आएंगे, तो उतना बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा है। टॉर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट उतना बड़ा नहीं कि हम उसे इजीली पहचान पाएं। हाँ, लुक्स में अभी कोई ऐसा बात नहीं की गई है कि लुक्स में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा कुछ अभी रिवील नहीं हुआ है, तो इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। और यहाँ पर ऑटो कार इंडिया के अकॉर्डिंग सीट की लेंथ भी थोड़ी बढ़ा दी जा सकती है, और साथ ही यहाँ पर सामने आपको स्पेस मिलता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, स्कूटर में BS6 आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होने वाला है स्कूटर। अब बात करें इसके लॉन्च की, तो लॉन्च यार कहा जा रहा है कि जनवरी 2020 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बट अभी कुछ भी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर प्राइस की बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है कि प्राइस में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो मैं यही सोचा हूँ कि इसका प्राइस अराउंड 10-12,000 रुपीज़ महंगा होगा एज कम्पेयर टू BS4 वेरियंट, क्योंकि BS4 के बाद BS6 में स्विच करने में काफ़ी कुछ एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ी रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने अभी होंडा एक्टिवा 125 में ऑलरेडी देख लिया है प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, तो 10-15% सभी के प्राइस में डिफरेंस आने वाला है। तो हो सकता है आपको ये भी अब और महंगा देखने मिले। तो अगर आप एक सस्ता स्कूटर चाह रहे हैं, एक पावरफुल स्कूटर चाह रहे हैं, तो आप BS4 के लिए भी जा सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा एक छोटा डिस्कशन अबाउट सुजुकी एक्सेस 125। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना है। एंड अगर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, एंड आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हो। So guys, thanks a lot for watching our video. If you like our video, so hit like, subscribe and don't forget to click on the bell icon. And अभी एक नया option आ गया all notification का, तो वहाँ भी click करना ताकि आपको आने वाले सभी videos की update मिलती रहे।